एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों ने देखा कि लास्ट व्लॉग में मैं गई हूँ बंजारा मार्केट, क्योंकि दिवाली डेकोरेशन के लिए मुझे कुछ सामान लेना था। आप लोग अगर जाना चाहो तो आप लोग मैप पे लिख सकते हो बंजारा मार्केट गुड़गांव सेक्टर 62। अभी शिफ्ट हो गया है वो, और वो लोग थोड़ा सा भी उसको बना रहे हैं, तो कम चीज़ें थी वहाँ पर इस बार। एज़ यूजल लास्ट टाइम की तरह इतना कुछ भरा हुआ नहीं था, लेकिन जो भी थी, जितनी भी चीज़ें थी, बहुत ही शानदार थी। तो मुझे करनी थी दिवाली की शॉपिंग, और डेफिनेटली दिवाली की शॉपिंग की बारी आए और ऑनलाइन या बंजारा मार्केट ना जाया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ऑनलाइन ये चीज़ें बहुत महंगी मिलती है, ऑनलाइन भी है लेकिन बहुत महंगी मिलती है। और बंजारा मार्केट में अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ले सकते हो। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें जो मैं लेके आई हूँ बंजारा मार्केट से अपने घर को डेकोर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ, फोकस लैंप बोल लो या लाइट बोल लो, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, ये ऑनलाइन भी आप देखोगे, दूसरों के घरों पे भी अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग लाइट है, जिसको आप किसी भी कॉर्नर पे लगाओगे तो बहुत ही यूनिक आप लोगों को लुक देने वाली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ये लकड़ी है और इसके ऊपर ये प्लास्टिक है, और ये पूरा मेटल में काम हो रखा है और ये पूरा लकड़ी में काम हो रखा है। आप इसको कितना भी घुमा सकते हो, वायर वगैरह प्रॉपर दे रखी है इसमें। इसके अंदर लाइट का है, लाइट अभी हमने लगाई नहीं है, लाइट हम लगाएंगे अभी इसमें। इस बार बंजारा मार्केट में लाइट अवेलेबल नहीं थी, तो इसका प्राइस आप लोग गेस कर सकते हो क्या होगा। ऑनलाइन ये आपको अप्रॉक्स 4000 के करीब या 5000 के करीब आपको दिखाया जाएगा, और बंजारा मार्केट में उन्होंने मुझे बताया था इसका कि आपको हम 3500 के करीब देंगे इसको। वो भी जब मैंने उनसे ऑलरेडी दो चीज़ें ली थी तो मैंने कहा आप मुझे जायज़ रेट बताओ, तो उन्होंने कहा 3500 रुपये, और मैंने बार्गेनिंग की, वो नहीं माने। फिर मैं दूसरी शॉप पे गई, मैंने उनसे बार्गेनिंग की, वो भी नहीं माने, वो 2000 रुपये आके अटके। फिर मैं तीसरी जगह पे गई और फाइनली जो मेरा प्राइस था वो था 1650 रुपीज़, 1650 रुपये में ये एंटीक पीस और बहुत सुंदर पीस मुझे मिल गया है। आप लोगों को भी लेना है तो आप लोग ले सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है ऑनलाइन, या हमें इजीली मिलती नहीं है। देखो, बात बस ये है कि ये चीज़ें हमें ऑनलाइन ही मिलेगी या फिर मिलेगी ही नहीं नॉर्मल मार्केट में, तो इसलिए बंजारा मार्केट बेस्ट है। तो 1650 बहुत ही बेस्ट डील थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट, ये ब्यूटीफुल से लैम्प है ना, एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगे थे। मैंने जैसे ही इनको देखा, देखते ही मैंने इनको पसंद कर लिया था, और जब मैंने उनसे इसका प्राइस पूछा तो 2500 उन्होंने मुझे इसका एक का प्राइस बताया था। तो मैंने उनको बोला कि हमें चार पीस चाहिए, आप जेन्युइन प्राइस बता दो। देखो, इसके नीचे आप लोगों को दिखेगा प्रॉपर लाइटिंग लुइटिंग है, वायर वगैरह है, और ये आई गेस मेटल है ना, मेटल है, ये मेटल में आपको ये पीस मिलने वाला है। और हमने दो लिए, और दो मेरे देवर जो साथ गए थे उन्होंने लिए हैं। तो लास्ट बार्गेनिंग कर करके मैं दो शॉप छोड़ के, एक शॉप छोड़ के दूसरी शॉप पे गई, तो वो चार पीस मुझे 4000 में देने को रेडी हो गए थे। तो ये जो आप देख रहे हो ना, दो बहुत ही बेहतरीन पीस ये रखे हुए, इतने अच्छे लगेंगे घर में, ये मुझे चार पीस 4000 में, मतलब एक पीस मुझे 1000 में मिल गया है। मैं लैंप के लिए बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन मुझे कुछ यूनिक मिल नहीं रहा था, और ये मुझे बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट मिला है, जो कि मेरे घर की वाइब से भी मैच करेगा। और जब मैं प्रॉपर इसको घर में डेकोर कर दूंगी ना, तब आप लोगों को दिखाऊंगी भी। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये जैगवार। मेरा मेन था जैगवार सेम मेटल में लेने का, लेकिन बंजारा मार्केट शिफ्ट हुआ तो उनके पास वैरायटी नहीं थी। ये जैगवार मुझे वहाँ पर रखा हुआ दिखा, उन्होंने मुझे इसको 1500 का इसका प्राइस बताया, और लास्ट मैं इसको 400 रुपीज़ में लेके आ गई। ये मुझे बहुत अच्छा और यूनिक लगा, लेकिन मेरा था कि मेटल में लेके आऊँगी, लेकिन मेटल मुझे मिल नहीं पाया, तो इस बार मैं इस डील को भी मिस नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने 400 रुपये में इतना सुंदर जैगवार ले लिया। अब मुझे ये तो नहीं पता है किस चीज़ से बना हुआ है, लेकिन अच्छा है, जो भी है अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ऑनलाइन मीशो वगैरह फ्लिपकार्ट पे आप लोग देखोगे ये आपको 600-700 का एक दिखा रहे होते हैं, ये मैं लेके आई हूँ 150 रुपीज़ में दो।
ये 150 रुपए में मुझे 2 मिले हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पीस है आजकल। हम लोग अपने घर पे जो स्पेस बनाते हैं ना टीवी वगैरह के पास, उन सब में इनको रखा जाता है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अगर आप लोगों को भी लेना है तो इनको तो मस्ट, ये तो मस्ट बाय प्रोडक्ट है, इनको आप ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, ठीक है। इनको भी अब रख देते हैं यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बुल, जिसके लिए तो मैं पीछे ही पड़ गई थी उनके कि मुझे ये बुल चाहिए ही चाहिए। आप लोग देख रहे हो कितने सुंदर हैं, ये देखो, ये देखो, नहीं गिराऊंगी मैं, चिंता मत करो। ये बुल मैंने लिए हैं, कितने शानदार लग रहे हैं ये। इनका प्राइस उन्होंने मुझे बताया था कि 3000 में हम आपको पेयर देंगे, लेकिन पेयर मैं इतने का तो नहीं लेने वाली थी, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है कि गिर जाती है ना तो टूट जाती है। तो मैंने फिर उनसे डील की कि मुझे एक पीस चाहिए तो आप कितने का दोगे। तो पहले उन्होंने 800 बोला, फिर 700 बोला, फिर 600 पे आके उन्होंने डील कर दी कि पर पे अगर आपको सिंगल चाहिए तो 600। फिर मैंने उनको बोला मुझे दो दे दो, तो 1200 रुपये में मुझे ये दो मिले। अच्छा खासा हैवी है ये, बहुत ही प्यारा और यूनिक लुक है। अगर आप इसको ऑनलाइन देखोगे ना, आप ऑनलाइन इसका प्राइस कंपेयर करना, आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है ऑनलाइन बंजारा मार्केट और ऑनलाइन में। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये डोनट्स। मेरा एक डोनट और का है ब्लैक वाला, अच्छा बोरा। ये डोनट भी अगर आप देखोगे तो आपको ऑनलाइन ये भी बहुत महंगे दिखेंगे, और ये नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलेंगे, या तो आपको सिर्फ ऑनलाइन मिलेंगे या आपको सिर्फ बंजारा मार्केट में मिलेंगे। देखो ये मैंने ऐसे लिया है, एक छोटू सा एक बड़ू सा, तो ये रखे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये दो लिए हैं, और ये दो मैंने लिए हैं 500 रुपीज़ में। ऑनलाइन आपको एक 500, ये जो बड़ा वाला है ये एक पड़ता है 500-600 का, लेकिन मैंने ये पेयर लिया है उनसे 500 में। तो बहुत, अब भी मैंने मतलब बार्गेनिंग कम ही की थी उनसे, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं लेके गई थी, जो परी ने तोड़ दिया था, वो मुझे 150 रुपये का एक पड़ा था, 300 रुपये के दो पड़े थे। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सेम डोनट जो मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करेंगे बैग से निकालने में। ये देखिए, ये वो छोटे मैंने 500 के लिए, और ये देखो ये कितना बड़ा है, मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ। ये भी मैंने 500 में दो लिए हैं। ये देखो एक ये, बल्कि वो मैंने थोड़े से महंगे ले लिए, पर ठीक है, चीज़ लेनी थी और इतना धक्का खाने का टाइम नहीं था हमारे पास। ये देखो इसमें और इसमें कितना साइज़ में डिफरेंस है, देखो इसके साइज़ में और इसके साइज़ में डिफरेंस देखो कितना डिफरेंस है। तो है तो ये भी पेयर 500 का, वाइट किसी के पास मिल नहीं रहा था तो वाइट के लिए मैंने उसको 500 रुपये दे दिए, क्योंकि मुझे वाइट चाहिए ही चाहिए था, लिमिटेड शॉप्स थी। और फिर मैंने लिया एक ये पेयर, ये देखो बहुत ट्रेंडिंग पीस है ये। आपको ऑनलाइन जब आप होम डेकोर डालोगे ना अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे, ये आपको बहुत महंगे महंगे दिखने वाले हैं। तो ये भी मैंने सिर्फ और सिर्फ 500 में, ये तो बहुत ज़्यादा भारी है, लिया है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे यूनिक और ख़तरनाक चीज़, जो कि है ये एंटीक पीस। ये देखिए, इसको आपको पास से इसकी कलाकारी दिखाते हैं। ये कलाकारी आप एक बार ज़रूर मेरे प्राइस बताने से पहले गैस करना अपने मन में, या कमेंट में आप लोग लिख सकते हो कि पहले आपने क्या गैस किया था और बाद में क्या प्राइस मैंने बताया है। और ये पत्थर से बना हुआ है, कौन सा पत्थर बताया था उन्होंने? प्लास्टिक और फाइबर और पत्थर मिक्स है, फाइबर और पत्थर मिक्स करके उन्होंने बताया था। कलाकारी देखो इसकी भी, कलाकारी इतनी गजब है। और सबसे बढ़िया ये देखो, ये चीज़ आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो, ये देखो पूरी कलाकारी देखो, ये कितनी सुंदर है। उन्होंने जब हम गए थे तो ये एक पीस 2500 का बताया था सिंगल, फिर हमारा था नहीं लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन लास्ट में जब हम जा रहे थे, जाते जाते एक अंकल आंटी थे वो इसको ले रहे थे, तो उन्होंने बोला, मैंने उनसे बोला आपने कितने का लिया, क्योंकि वो ऑलरेडी बार्गेन कर चुके थे। उन्होंने कहा कि हमने 1400 का पेयर लिया है।
तो ऑब्वियसली 700 का एक पड़ गया, तो मैंने इमिडिएटली उसी उन्होंने जो बार्गेन किया था उसी में कह दिया कि मुझे एक पीस दे दो। तो ये सुंदर सा एंटीक पीस मुझे 700 रुपीस में मिला है, और आप लोगों को ये पहली बात तो कहीं मिलेगा नहीं, और अगर आपको ये मिल रहा है ना तो ये कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये में आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही बेहतरीन स्टफ़ है। जो मेरे देवर ने लिया था वो था कि जो हमारा बाहर एक गमला स्टैंड है वो सेम डोनट लिया था, सेम ये चीज़ें ली थी, और एक वॉल का हैंगिंग लिया था। मैं दिखाती हूँ कौन सा हैंगिंग लिया था मेरे देवर ने, इधर लेके आना। ऐसा कुछ एक मेरे देवर ने लिया था, उन्होंने 1800 प्राइस बताया था, और ये मतलब वो ज़्यादा सुंदर है, उसकी अगर फ़ोटो दिखा पाई तो दिखाऊंगी। वो 1800 बताया था, 800 में लिया था। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आइए। और ये प्राइजेज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि कल को आप जा रहे हो बंजारा मार्केट तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाए बार्गेन करना। अभी लाइट ऑन नहीं है, एक बार लाइट जलाओगे? अच्छा अच्छा, यहाँ ये देखो, ये मेरे देवर का सामान है, ये है वो एंटीक पीस, निकल जाएगा बेटू, बस एक सेकंड थोड़ा। ये देखिए, ये देखो, ये है वो, इस पर हमने अभी पॉली बैग लगवाया हुआ है क्योंकि देखो गाड़ी ख़राब ना हो, ताकि थोड़ा सा ऐसे दिख नहीं रहा होगा वैसे तो। ये देखो, रुक थोड़ा सा दिखा देती हूँ ज़रा सा, ये देखो यहाँ से आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा, ये देवर का इसलिए मैं ओपन नहीं करूँगी। ये देखो, पास लेके आना, ये देखो, ये वर्क में गोल्डन, ये और वाइट कलर, देखो इधर से थोड़ा सा, ये वाइट कलर वाला जो वॉल का सेम होता है वो चीज़ है। इसको उठा के भी बाहर रख देती हूँ, बेटो एक बार लेके जाना नन्नू को। ये वाला सेम चीज़ ये रही, और इसको फोल्ड करके लेके आए थे हम, तो ये जो इसके ये शेल्स हैं जिसपे ये हाथी रखा हुआ है, दिखाना, ये जो हाथी रखा हुआ है जिसपे खुला हुआ है, इसमें इसमें इन्होंने पैक करके देखो इस धागे से बांध दिया है। तो ये वाला सेम पीस मेरे देवर को बहुत अच्छा लगा था, तो उसको भी अपना चाहिए था, तो सेम वो है। और ये उन्होंने हमें बताया था अप्रॉक्स 4000 में वो हमें देंगे, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद ये हमें 2000 में मिला है पूरा का पूरा, और प्रॉपर लोहे की चीज़ है। कोई भी, देखो हमें ही रखे हुए 2 साल हो गए, इसमें कुछ भी खराबी नहीं आई है। तो अगर आप लोगों को भी ये चाहिए होगा, लेना होगा, तो आप लोग उनसे लास्ट बार्गेन करके 2000 तक ले सकते हो, और अगर और कम करे तो आपकी किस्मत है। आप लोग सीधा बात करना 1500 पे, और 1500 बोलोगे एक जना ना माने तो दूसरे पे, दूसरा ना माने तो तीसरे पे, लास्ट 2000 में इसको आप लेना, उससे ज़्यादा इसको मत लेना। और एक गले वगैरह भी हमने बंजारा मार्केट से लिए थे 50-50 रुपये में, मार्केट में चीजें थी नहीं। तो ये था मेरा हॉल वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग भी जा रहे हो तो मैंने आप लोगों को एक प्राइस बता दिया है, अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स और अच्छी हैं तो आप और ज़्यादा बार्गेन कर सकते हो और ज़्यादा कम करवा सकते हो प्राइस। मैं आपको हमेशा यही बोलूँगी, अगर वो आपको प्राइस 4000 बता रहे हैं तो आप सीधा बोलो 1000, फिर आप दूसरी जगह जाओ उनको भी बोलो 1000, वो नहीं मान रहे तो 500 रुपये बढ़ा दो बस, या 200 रुपये बढ़ा दो, ऐसे करके आप लोग बार्गेन कर सकते हो। तो ये है मेरे होम डेकोर आइटम्स दिवाली की तैयारी के, इनको मैं घर में डेकोर करूँगी और उसके बाद आप लोगों को लुक भी दिखाऊंगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस ब्लॉग को करते ही आप लोग कैमरा मोड़ के दिखाते, कैसे की थी बार्गेनिंग? मैं बोला 3500 रुपये, मैं बोला 1500 में दे दो, मैं बोला ले ले। इन्होंने ना एक आपने तो बोला वही दे रहे हैं, अब तो ले लो। मेरे को दिखाना। मैं रस बोला, मैं कहा यो ड्राइवर है, मैं ड्राइवर हूँ, ये ऑपरेटर है, मैडम बोली ये बड़ा बदतमीज है। उधर ना उसको बोल रहे कि उन्होंने बोला कि उसने 3500 बताया, वो गन थी फ्रेम के अंदर, एक गन थी, तो उसने
उसने बोला 3500 कहते अपना मतलब चौड़ में मैं 1500 रुपये दूंगा। इनकी तरफ से वो स्किल हो गई थी कि भाई मैंने तो गजब स्किल कर लिया है बार्गेन की। उसने कहा ले जाओ ले जाओ। फिर इन्होंने मेरे को कहा कि ये 1500 में, मैंने कहा दिमाग खराब है क्या, 1500 में तो ऑनलाइन में मिल रही है, ऑनलाइन मिल रही है वो। तो फिर ऑनलाइन में तो बंदूक बंदूक थी, 1500। हाँ बंदूक बंदूक, फ्रेम भी होता है, फ्रेम भी होता है, लेकिन उस टाइम एट अ टाइम हमें दिख नहीं रहा था, लेकिन नुकसान ना था 1500 में पर। अरे उसको लगाते कहा, यहाँ तो लगा भी सकते थे। एक बार में बोलती ले लो तो मूड खराब हो गया। मैंने उसको बोला 1000 रुपए में दे दे, ठीक है। फिर मैंने भी ज्यादा बार्गेन नहीं की क्योंकि वो चीज मुझे वर्थ इट लग नहीं रही थी कि कहाँ रखूंगी, कहाँ कौन से वॉल पे लगाऊंगी, ज्यादा खिचपिच अच्छी नहीं लगती है घर में। तो इसीलिए फिर इन्होंने पीछा छुड़ाने के लिए, मैं ड्राइवर हूँ, ये ऑपरेटर है, मालकिन तो ये पैसे ये देगी, तो ऐसे करके फिर उनसे पीछा छुड़ाया गया। तो यही था व्लॉग, करते हैं इसको एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लव यू ऑल।